सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डीमन स्लेइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सब लोगों को डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत थी, जिससे सब लोग डर रहे थे। मगर मे युआन जी ने सबसे पहले डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था, जिसे देखकर चुआन और बाकी लोग भी साइन करने गए। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि उन फैमिली का एक लड़का डेथ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर घबरा जाता है और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने से मना कर देता है। ये देखकर मेंग फैमिली के एल्डर हंसने लगते हैं। यून फुआन अपने सर्वेंट से कहते हैं कि उस लड़के ने यून फैमिली की बेइज्जती की, इसे यहाँ से बाहर निकाल कर काम करने के लिए भेज दो। कॉम्पिटिशन इंचार्ज डेथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर कहती है कि तुम सब ने कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी मर्जी से साइन किया, अगर इस कॉम्पिटिशन में तुम्हारी डेथ हो जाती है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये कहकर इंचार्ज एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे पैलेस के ऊपर से एनर्जी निकलकर आसमान में एजो हो जाती है। ये देखकर सब लोग सोचते हैं कि इंचार्ज कर क्या रही है। तभी अरीना के नीचे एक बहुत बड़ा गेट ओपन होता है और डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले सब लोग उसमें गिर जाते हैं और एक पोर्टल की मदद से युयांग लैंड नाम के डेमन फॉरेस्ट में गिरते हैं, जहाँ डेमन उन्हें खाने लगते हैं। चुआन वांग लेवल 80 में आ गया था, जहाँ डीमंस को मारने लगता है। कंपटीशन इंचार्ज कहती है कि अब ये कंपटीशन ट्रेजर हंट में बदल गया है। युयांग लैंड में 4 डीमन क्लेंस है, तियान डी, जुआन वाई और हुआंग। इनमें हुआंग ग्रेट टेरिटरी के मॉन्स्टर सबसे कमजोर है और तियान लेवल के मॉन्स्टर्स सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। उन डीमंस को मारने के बाद तुम्हें उनके डीमन कोर को रिफ्यूलिंग स्टेशन में ले जाना होगा, जिससे तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। तुम जितने बड़े डीमंस को मारोगे उतनी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। ये सब सुनकर की हो जुआन लेवल के डीमंस को मारने लगती है, जिससे उसकी रैंक बढ़ती है। इसी तरह वो क्यूई और बाकी लोग भी डीमंस को मारकर अपनी रैंक बढ़ाते हैं। वही हम तीन लोगों के एक डीमन ग्रुप को देखते हैं, जो डीमंस को ना मारकर इंसानों का शिकार कर रहे थे और उनके डीमन कोर को लूट रहे थे। दूसरी तरफ हम बारिश वोड वाले लड़के को देखते हैं, जिसका नाम यांजिन था। वो भी हुआंग लेवल के डीमंस को मारकर अपनी रैंक बढ़ाता है। सब लोग डीमंस को मारकर अपनी रैंक बढ़ा रहे थे, जिसमें मे युआन जी की रैंक सबसे ऊपर थी। वही चुआन हुआंग लेवल के डीमंस एरिया में आता है। लो लेवल के फ्लाइंग डीमंस चुआन पर अटैक कर देते हैं। चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक से सॉन्ग ऑफ द विंड मो को एक्टिवेट करता है और सभी डीमंस को मार देता है। मगर फिर से बहुत सारे फ्लाइंग डीमंस वहाँ जाते हैं, तो चुआन एक डीमन को पकड़कर आसमान में जाता है और एक पावरफुल अटैक करके सारे डीमंस को जान से मार देता है। उनके पावर कोर को लेकर चुआन सोचता है कि मैं अब इनकी मदद से संत फाउंडेशन को बना सकता हूँ। वहीं भाई गुआन और उसके साथी बहुत सारे डेमोनिक को लेकर रिफ्यूलिंग स्टेशन आते हैं, जिससे भाई गुआन रैंक 4 पर चला जाता है। ये देखकर भाई सान बहुत खुश होता है और लॉर्ड मेंग से कहता है कि चुआन की रैंक अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ी, शायद किसी डीमन ने उसे जान से मार दिया होगा। दूसरी तरफ चुआन 9 रिफाइनमेंट जू रोंग बुक की मदद से डीमन कोर को एक्टिवेट करके कल्टिवेशन करने लगता है। कल्टिवेशन करते हुए चुआन सोचता है कि नॉर्मल फोर्जिंग मेथड से संत की इनर पावर को एक्टिवेट करने में मुझे 1 साल लग जाएगा, लेकिन मैं जू रोंग के 9 रिफाइनमेंट की मदद से अपने बेस को जल्दी तैयार कर सकता हूँ और डीमन के कोर की पावर यूज करता है, जो काफी पॉइजनस है। इससे ह्यूमन ब्लड रिफ्रेश हो जाता है, जिससे संत की पावर जल्दी एक्टिवेट होती है। चुआन की संत बॉडी से एक फायर स्नेक निकलकर आता है और सारे डीमन कोर को खा जाता है। वो स्नेक चुआन को काट लेता है, जिसकी वजह से चुआन की बॉडी पर फायर जलने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इन सब की वजह से चुआन के कॉन्शियसनेस में मौजूद मिस्टीरियस बॉय की आंखें खुल जाती है और तभी चुआन रियल वर्ल्ड में आ जाता है। चुआन फिर से डेमोनिक कोर खाकर कल्टिवेशन करने लगता है, मगर इस बार चुआन की पावर नहीं बढ़ती। इससे चुआन समझ जाता है कि डेमोनिक कोर बहुत कमजोर है, मुझे बड़े डीमन को मारकर उसका कोर लेना होगा। फिर चुआन बचे हुए डेमोनिक कोर को लेकर रिफ्यूलिंग स्टेशन जाता है, जहां वो सर्वेंट मे युआन जी के कोर गिनकर उसकी रैंक बढ़ाता है। चुआन उस सर्वेंट को अपने डेमोनिक कोर देता है, जिन्हें देखकर सर्वेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने डेमोनिक कोर अभी तक किसी ने इकट्ठे नहीं किए थे। सर्वेंट सारे कोर को गिनकर चुआन की रैंक बढ़ाता है, जिससे चुआन रैंक 1 पर पहुंच जाता है। ये देखकर यून फुआन और बाईसान बहुत हैरान होते हैं। सर्वेंट चुआन को युयांग लैंड का मैप और 2 बॉम्ब देता है, जिसे देखकर चुआन खुश होता है। वही एक लड़की डीमन ग्रुप से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तभी डीमन ग्रुप की मेंबर रुआन भी एक एरो से उस लड़की पर अटैक करती है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। मगर फिर भी वो लड़की उठकर वहाँ से भागने लगती है, पर जांगरू शान नाम का लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो डीमन ग्रुप का दूसरा मेंबर था। तभी
ही एक आदमी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से उस लड़की को जान से मार देता है, जो डेमन ग्रुप का लीडर जियाओ सोंग होता है। वो उस लड़की के डेमोनिक कोर को ले लेते हैं। जियाओ कहता है कि मैंने कहा था कि डिमस को मारने में उतना मजा नहीं है जितना मजा इंसानों को मारने में है। दूसरी तरफ चुआन मेर की मदद से तियान लेवल के डिमस वाले एरिया में आकर डिमस को ढूंढने लगता है। तभी एक डिमस जमीन के अंदर घूमकर चुआन पर अटैक करता है, मगर चुआन अपनी सोट की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। वो डिमस जमीन से बाहर निकलकर चुआन पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर चुआन सोचता है कि हाई लेवल का क्रिसेंट वॉर्म डिमन है। इसकी पावर बॉडीलेस रियल्म के इंसान के बराबर है। उस डिमन के अटैक से बचने के लिए चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है। लेकिन डिमन की स्किन इतनी हार्ड थी चुआन के अटैक से उसे कुछ नहीं होता, तो चुआन डिमन की पूंछ पर अटैक करता है जिससे डिमन को काफी दर्द होता है और वो चुआन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। चुआन फिर से डिमन पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर डिमन काफी तेजी से जमीन के अंदर चला जाता है। तभी चुआन के कॉन्शियसनेस स्पेस में मिस्टियस बॉय अपनी आंखें खोल देता है, जिससे चुआन को जमीन के अंदर डिमन फील होने लगता है। इससे चुआन समझ जाता है कि सोल ऑफ सी कॉन्शियसनेस से मुझे पावर मिली है, मैं अपने आसपास के जीवों को महसूस कर सकता हूँ। चुआन इसी पावर का यूज करके डिमन के अटैक का पता लगा लेता है और उसके सर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे डर कर डिमन जमीन में चला जाता है और कुछ देर बाद फिर से अटैक करने के लिए आता है। इस बार चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीज के ऑटम सैडनेस पेंटिंग मुंह को एक्टिवेट करता है, जिससे वो डिमन को मार देता है और उसका डेमोनिक कोर निकाल लेता है। फिर चुआन अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में जाकर बच्चे को देखता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चुआन उस बच्चे को जगाने की कोशिश करता है, मगर वो बच्चा अपनी आंखें नहीं खोलता। चुआन दूसरे डिमन को मारने लगता है। वो एक डिमन को मारकर उनके डेमोनिक कोर को देख रहा था। तभी कोई छिपकर चुआन पर नाइफ से अटैक करता है, पर चुआन उस अटैक से बच जाता है। तभी बहुत सारे एरो चुआन की तरफ आते हैं। चुआन अपनी सोर्ड से उन एरो से बच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी कुछ आदमी चुआन पर अटैक कर देते हैं, मगर चुआन उन्हें मारकर दूर कर देता है। फिर बाई गुआन अपने साथियों के साथ वहां आकर चुआन को घेर लेता है और कहता है कि जब से तुम डोंगिंग मिशन में आए हो तभी से हमारी दुश्मनी शुरू हो गई है। किंग पिंग और मैं एक साथ बड़े हुए थे और मैं बचपन से उसे प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी सगाई किंग पिंग से हो गई और तुमने हमेशा किंग पिंग की बेइज्जती की, जिससे सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तुमने उसे परेशान किया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। यह सब सुनकर चुआन को क्यू की याद आती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, मगर फिर भी चुआन बाई गुआन से फाइट करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।